एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इस ऑनलाइन डिजिटल लर्निंग में। तो चलिए शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। व्हाट इज ईमेल? ईमेल स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। ठीक है, ईमेल की फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक मेल, यानी कि बिजली से भेजा जाने वाला एक तार। By using email service on internet, we can send and receive messages, documents, audio, video files, etc. anywhere in the world. By using email service का इस्तेमाल करके on internet, internet के ऊपर ईमेल सर्विस का इस्तेमाल करके इंटरनेट के ऊपर वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस। हम क्या कर सकते हैं? मैसेजेस को सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, डॉक्यूमेंट्स भी, ऑडियो फाइल्स भी, वीडियो फाइल्स भी, एटसेट्रा इत्यादि। ठीक है, ये सारी चीजें हम ईमेल के जरिए एक दूसरे को भेज भी सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं, एनी वेयर इन द वर्ल्ड, संसार में कहीं पे भी। सम पॉपुलर ई मेल सर्विसेज आर, अब कुछ एक जो है वो पॉपुलर, जो ज्यादातर यूज की जाती है, जो ज्यादा फेमस है, ज्यादा प्रसिद्ध ई मेल सर्विसेज है, जैसे गूगल मेल। गूगल मेल को हम शॉर्ट में बोलते हैं जी मेल, रेडिफ मेल, याहू मेल। यानी कि इसके अलावा बहुत सारी कंपनीज ने अपनी प्राइवेट प्राइवेट ये सर्विसेज भी बनाई हुई है अपनी कंपनी के नाम पर भी, लेकिन हम ज्यादातर जो यूज करते हैं वो है गूगल मेल, रेडी मेल, याहू। ठीक है, इसके जरिए हम ये सारी चीजें, ये देखो फोल्डर, फाइल, म्यूजिक, ऑडियो वीडियो फाइल, सब कुछ हम एक दूसरे को भेज सकते हैं। ईमेल भेजने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि हमारे फोन या कंप्यूटर में हमारा गूगल, रेडिफ या याहू, इनमें से कौन सा यूज करना है, इसके ऊपर हमारा अकाउंट बना होना चाहिए। अब अकाउंट कैसे बनाते हैं और कैसे एक दूसरे को हम भेजते हैं, इसको हम प्रैक्टिकली कल सीखेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट? इंटरनेट के क्या क्या फायदे हैं, इंटरनेट से हम क्या क्या काम कर सकते हैं, हमें क्या क्या सुविधा देता है। द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ इंटरनेट आर, इंटरनेट के तरह तरह के फायदे इस प्रकार से दिए हुए आगे। ईमेल, सबसे पहला पॉइंट ईमेल। ईमेल के बारे में हमने पिछले क्वेश्चन में भी पढ़ लिया है। ठीक है, बाई यूजिंग ईमेल सर्विस ऑन इंटरनेट वी कैन सेंड एंड रिसीव मैसेजेस एनीवेयर इन द वर्ल्ड। ईमेल सर्विस के जरिए, ईमेल सेवा के जरिए इंटरनेट के ऊपर हम मैसेजेस को सेंड भी कर सकते हैं और रिसीव कर सकते हैं, कहीं पे भी संसार में, किसी भी जगह। ठीक है, जरूरी नहीं है कि मैसेजेस सिंपल, इसमें हम ऑडियो, वीडियो, डॉक्यूमेंट्स, किसी भी तरह की फाइल जो है वो एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, दूसरा आता है ऑनलाइन चैट। चैट होता है गपशप मारना। ठीक है, इंटरनेट इज ए वेरी बिग चैट रूम वेयर वी कैन मेक न्यू फ्रेंड्स एज वेल एज मीट विद अवर ओल्ड फ्रेंड्स बाई यूजिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम टाइप्स ऑफ ऑनलाइन एप सर्विसेज। इंटरनेट एक बहुत ही बड़ा चैटिंग का रूम है, गपशप का एक बहुत बड़ा कमरा है, कमरे जैसे ही है। ठीक है, वेयर वी कैन, जहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, वेयर वी कैन मेक न्यू फ्रेंड्स, जहाँ पे हम नए दोस्त बना सकते हैं, एज वेल एज यहाँ तक कि मीट बी द ओल्ड फ्रेंड्स, अपने पुराने दोस्तों के साथ भी मिल सकते हैं। बाय यूजिंग फेसबुक, इसका इस्तेमाल करके ये सर्विसेज हैं, बाय यूजिंग फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम टाइप्स ऑफ ऑनलाइन ऐप सर्विसेज। ये सारी की सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस हैं जिनमें हम एक दूसरे के साथ चैट कर सकते हैं, एक दूसरे को वीडियो, ऑडियो और पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्स वगैरह कुछ भी एक दूसरे को भेज सकते हैं। ठीक है, थर्ड पॉइंट है इंटरटेनमेंट। इंटरटेनमेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? मनोरंजन। बाय यूजिंग इंटरनेट वी कैन डाउनलोड गेम्स, म्यूजिक, वीडियोस, मूवीज
एक्स्ट्रा फॉर अवर एंटरटेनमेंट। अब इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, वी कैन डाउनलोड, हम अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड कर सकते हैं, मतलब रिसीव कर सकते हैं, रख सकते हैं गेम्स, खेलें होगी, गेम्स होगी, म्यूजिक होगी, वीडियोज होगी और मूवीज होगी अपने इंटरटेनमेंट के लिए। हम इनको डाउनलोड भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि हम ऑनलाइन भी गाने सुन सकते हैं, फिल्में देख सकते हैं और गेम्स भी खेल सकते हैं, ठीक है। तो इंटरनेट के ऊपर हम मनोरंजन भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है वेदर अपडेट। ये आपको पता ही होगा कि मौसम के बारे में हमें फटाफट पता चल जाता है, पता कैसे चलता है वो इंटरनेट के जरिए, वेदर अपडेट, मौसम की अपडेशन, ठीक है। वाई यूजिंग इंटरनेट वी कैन गेट वेदर अपडेट एनी टाइम ऑफ द डे इवन ऑफ द अपकमिंग डेज। बाई यूजिंग इंटरनेट, इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम मौसम की अपडेट ले सकते हैं, मौसम की ताजा जानकारी ले सकते हैं एनी टाइम ऑफ द डे, दिन के किसी भी समय, इवन यहाँ तक कि ऑफ द अपकमिंग डेज, अपकमिंग होता है आने वाले, डेज मतलब दिन, यहाँ तक कि आने वाले दिनों का भी, ठीक है। तो ये था वेदर अपडेट। इसके बाद आता है ऑनलाइन सर्विसेज। By using internet, we can pay our electricity bill, phone bill, transfer money from one account to other, withdraw money from ATMs, apply for any exam. अब देखो ऑनलाइन क्या क्या सर्विसेज हैं। By using internet, इंटरनेट का इस्तेमाल करके we can pay our electricity bills, हम अपने बिजली के बिल दे सकते हैं, ठीक है। फोन बिल्स, फोन के बिल दे सकते हैं। ट्रांसफर मनी फ्रॉम वन अकाउंट टू अदर, एक खाते से दूसरे खाते में पैसे भेज सकते हैं। विदड्रॉ मनी फ्रॉम एटीएम से पैसे निकलवा सकते हैं, एटीएम से पैसे भी भेज सकते हैं। अप्लाई फॉर एनी एग्जाम, और किसी भी एग्जाम के लिए ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब नीचे ये दिया हुआ है ना, पानी, बिजली, फ्लाइट, फ्लाइट की टिकट्स बुक करना, रेल के टिकट्स बुक करना, बस के टिकट्स बुक करना, ये सारे काम जो है हम कर सकते हैं, ठीक है। सारे बिल्स जो हम ऑनलाइन पे कर सकते हैं, सबके टिकट्स बुक कर सकते हैं, सारी चीज़ों के, जैसे एयरपोर्ट, एयरलाइंस है, रेलवे है, बसेस है, कैब्स हैं, ठीक है। होटल में कमरा बुक करना है। तो आज के लिए हमारा ये कॉन्सेप्ट इतना ही काफ़ी था। कल फिर हम मिलेंगे इन ईमेल के प्रैक्टिकल के साथ। तब तक आप सभी घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय हिमाचल।